आज हम स्क्वायर स्क्वायर रूट का सेकंड वीडियो लेके आए हैं क्लास 8 के लिए। तो हम आज बताएंगे ट्रिक टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर। पिछले क्लास में हम लोग एक ट्रिक बताए थे स्क्वायर फाइंड करने के लिए, और आज उसके बाद ट्रिक बताते हैं। फॉर एग्जांपल 11 का हमको स्क्वायर लिखना है, 11 का स्क्वायर लिखना है तो इसमें हम देखेंगे तो 1 कितने टाइम है, 2 टाइम। तो सबसे पहले 1 लिखेंगे, 1 के बाद 2, 2 से डिक्रीज कर देंगे तो कितना आएगा 1। ये मेरा हो गया 11 का स्क्वायर। अगर सपोज दैट 111 का स्क्वायर करना है तो इसमें देखेंगे कि 1 कितने टाइम है, 3 टाइम। तो 1 2 3, अब 3 से कम कितना हो जाएगा 2, और 2 से कम 1। 1 से स्टार्ट करना है, 1 से खत्म करना है। इसको अगर स्क्वायर करना है 1111 का तो क्या करेंगे, सबसे पहले 1 कितने टाइम है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, फिर 4 से कम करेंगे तो 3, 3 से कम 2, 2 से कम 1। 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 पे एंड करेंगे, ये जो है इसका स्क्वायर हो गया। अब इसका स्क्वायर हम देखते हैं 1 कितने टाइम परसेंट है इसमें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 से कम करेंगे 4, 4 से कम 3, 2 1। इसी टाइप से अगर इसका स्क्वायर करना होगा तो 1 देखेंगे कितने टाइम से, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 से कम कितना हो जाएगा 5, 5 से कम 4, 4 से कम 3, 3 से कम 2, 2 से कम 1। अगर सपोज दैट ऐसे रहेगा 101 का स्क्वायर, फिर भी हम देखेंगे इसमें कि 1 कितने टाइम है, 2 टाइम। तो 1, 1 के बाद 2, 2 से डिक्रीज कर देंगे 1, लेकिन बीच में क्या डालना है 0, तो 0 यहां डाल देंगे, 0 यहां डाल देंगे, तो 101 का स्क्वायर हो जाएगा 10201। सपोज दैट इसका करना है 10101 का स्क्वायर, तो इसमें देखेंगे 1 कितना टाइम्स है, 1 2 3, तो लिख देंगे 1 2 3, 3 से कम हो जाएगा 2, 2 से कम हो जाएगा 1, बीच-बीच में क्या डाल देना है 0, बीच-बीच में हम लोग 0 डाल देंगे। इसका स्क्वायर हम लोग देखते हैं 101 01 01, तो 1 कितने टाइम पर है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 3 2 1, बीच-बीच में हम डाल देंगे 0 डाल रहे हैं तो 0 डाल देंगे। अब सपोज दैट कि 1001 का स्क्वायर निकालना है, तो इसमें देखेंगे कि 11 के बीच में 2 0 है, तो उसी टाइप से स्क्वायर करेंगे, 1 कितने टाइम पर है, 2 टाइम, तो 1 2, 2 से डिक्रीज कर देंगे 1, बीच में कितना 0 डालना है 2 0, 2 0 यहां डाल देंगे, 2 0 यहां डाल देंगे, 100 101 का स्क्वायर करना है, तो इसमें 1 फिर कर देंगे 2, फिर कर देंगे 3, फिर 2, फिर 1, बीच-बीच में 00 डाल देंगे। ये हम लोग सीख लिए इस टाइप का नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए। अब है कि हम दूसरे टाइप का नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए सीखते हैं। सपोज दैट हमको 52 का स्क्वायर निकालना है, 52 का स्क्वायर, 53 का स्क्वायर, 54 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, 56 का स्क्वायर, मतलब कि नियर बाय 50 का स्क्वायर कैसे हम लोग निकालेंगे। तो हम देखेंगे कि 52 जो है 50 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, और सबसे पहले ये सब नियर बाय 50 नंबर है तो इसका हाफ हम लोग अपने माइंड में कर लेंगे, तो 50 का हाफ कितना हो जाएगा 27, 50 का हाफ 27, और ये 50 से कितना ज्यादा है 2, 50 से ये नंबर 2 ज्यादा है तो 2 का हम लोग स्क्वायर कर लेंगे, 2 2 जा 4, अगर एक डिजिट में आता है तो इसके आगे हम लोग 0 डाल देंगे तो 0 4 हो गया। अब ये नंबर 52, 50 से 2 ज्यादा है तो हम लोग 25 में 2 ऐड कर देंगे, तो 25 में 2 ऐड कर देंगे तो आ गया 27। अब हमको 53 का अगर स्क्वायर उसी टाइप से निकालना है तो हम लोग एक सेकंड में लिख सकते हैं, बिना कॉपी पेन के सहायता से हम लोग इसका स्क्वायर कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम दिमाग में रखने के लिए बात क्या बोले हैं कि लास्ट वाला जो नंबर है, मतलब 50 से 53 कितना ज्यादा है 3, 3 का स्क्वायर कर लेंगे 9, सिंगल डिजिट में है तो आगे 0 डाल दीजिए। अब ये 50 से 3 ज्यादा है तो इसमें 3 ऐड कर दीजिए, तो 25 में 3 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 28। उसी टाइप से 54 का स्क्वायर हमको करना है तो 50 से कितना ज्यादा 54, तो 4, 4 का स्क्वायर 4, 4 जाए 16, उसके बाद 50 से ये नंबर 4 ज्यादा है तो 25 में हम लोग 4 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 में 4 ऐड कर देंगे तो 29, 55 का स्क्वायर भी कर लेंगे उसी टाइप से, 50 से 5 ज्यादा है तो 55 का स्क्वायर 25, अब ये जो है 5 ज्यादा है 50 से तो 25 में 5 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30, 56 का स्क्वायर करना है तो 50 से कितना ज्यादा है 6, तो 6 का स्क्वायर हो गया 36,
अब ये 56 जो है 50 से 6 ज्यादा है, तो 25 में 6 ऐड करेंगे तो 3136 आ जाएगा। इस टाइप से हम लोग 50 के नियर बाय नंबर का स्क्वायर फाइंड कर लेंगे। अब हम इसमें देखेंगे 50 से कम वाले नंबर का स्क्वायर जो नियर बाय 50 है, तो ये 50 से कितना कम है, 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। सिंगल डिजिट में है तो आगे 0 हम लोग डाल देंगे। फिर हम लोग 25 ले रहे थे तो 25 में से हम 2 माइनस कर देंगे तो 23 आ जाएगा। फिर से समझ लीजिए 48 का स्क्वायर कैसे किए, 48 जो है नियर बाय 50 है, तो पहले हम लोग पहले ही बता दिए थे कि 50 का हाफ रख लेना है मन में, तो 25 हो जाएगा। अब देखेंगे कि 48 50 से कितना कम है, 2, तो 2 का स्क्वायर 2 जा 4, सिंगल डिजिट में है तो आगे 0 डाल दिए। अब 50 से ये 2 कम है तो 25 में से 2 हम माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 23। 47 का अगर स्क्वायर करना है तो 50 से कितना कम है, 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, सिंगल डिजिट में है तो आगे 0 लगा दीजिए। अभी 50 से 3 कम है तो 25 में 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 22। 46 का अगर स्क्वायर करना है तो 50 से कितना कम है, 4, तो 4 का स्क्वायर 4 जाए 16। अब इसमें हम 4 माइनस कर देंगे, 25 में 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2116। 45 का करना है तो कितना कम है 50 से, 5, तो 5 का स्क्वायर 25, और 5 कम है तो 25 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20। उसी टाइप से आप लोग 44, 43, 42 का स्क्वायर निकालिएगा। अब हम लोग देखेंगे सम इंटरेस्टिंग पैटर्न। सपोज दैट हम लोग 7 का स्क्वायर तो पता है 49, अब 67 का स्क्वायर करना है तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि 4 बढ़ा देंगे, अगर यहाँ पर 4 जो है 2 टाइम्स कर दिए, उसके बाद 8 लाना है फिर 9। अगर देखते हैं हम लोग 667 का स्क्वायर तो इसमें 6 2 टाइम्स है तो 4 3 टाइम्स कर देंगे, 1 2 3 टाइम्स, फिर 8 2 टाइम्स कर देंगे, फिर 9। अगर इसमें देखेंगे 6667 का स्क्वायर करना है तो 6 इसमें कितने टाइम प्रेजेंट है, 3 टाइम्स, तो 4 को हम लोग 4 टाइम्स कर लेंगे, जितना 6 रहेगा उससे एक ज़्यादा हम लोग 4 को लिख देंगे। उसके बाद 3 टाइम्स लिख देना है 8 को, जितना टाइम 6 रहेगा उतना टाइम हमको 8 को यहाँ लिखना है, फिर लास्ट में 9 लिख देना है। सपोज दैट कि 6667 का स्क्वायर करना है तो 6 कितने टाइम है, 1 2 3 4, तो हम लोग 4 को एक ज़्यादा बार लिखते हैं तो ये 4 बार है तो 4 को लिख देंगे 5 बार, 1 2 3 4 5। फिर 8 को कितने टाइम्स लिखेंगे, जितने टाइम 6 है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, लास्ट में लिख देंगे 9, इसका स्क्वायर ये हो गया। अगर सपोज दैट ये रहा 6 6 6 6 6 7 का स्क्वायर करना है तो 6 कितने टाइम प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 6 प्रेजेंट है तो 4 कितने टाइम्स लिखेंगे, 6 टाइम्स, 1 2 3 4 5, 6 टाइम्स लिख दिया। 8 कितने टाइम्स लिखेंगे, जितने टाइम 6 प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, लास्ट में हम लोग लिख देंगे 9। तो ये पैटर्न को हम लोग समझ गए, इसी टाइप से आगे पैटर्न अपने घर पे बनाएंगे। सम इंटरेस्टिंग पैटर्न में हम सेकंड टाइप का देखेंगे, पहले 1 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, कैसे ये होगा देखिए। 1 का स्क्वायर, 1 के बाद कौन सा नंबर आता है, 2, अब ये दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 बन जाए 2, और 2 के बाद कौन सा नंबर आता है 3। उसी टाइप से अगर हम लोग 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 जाए 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और 6 के बाद क्या आता है 7, तो 7 का स्क्वायर लिख देंगे। अगर सपोज दैट यहाँ 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो 3 के बाद कौन सा नंबर आया 4, 4 3 जाए कितना हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 के बाद कौन सा नंबर आता है 13, 13 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम 4 का स्क्वायर लिखते हैं तो 4 के बाद कितना लिखेंगे 5 का स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 4 जाए 20, और 20 के बाद क्या आ जाएगा 21। फिर अगर हम लोग 5 का स्क्वायर लिखते हैं तो 5 के बाद क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 6 जाए 30 का स्क्वायर, 30 के बाद क्या आता है 31। तो आप इस टाइप के पैटर्न को घर पे बैठ कर खूब बनाइएगा।